आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण, अतिथि श्री अक्षय कुमार जी, होम सेक्रेटरी श्री राजीव जी महर्षि, डायरेक्टर आईबी श्री राजीव जी जैन, सेक्रेटरी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन श्री परमेश्वरन अय्यर जी, और एमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्री रजनीश कुमार जी, और शौर्य दिवस कार्यक्रम के संयोजक डीजी सीआरपीएफ श्री सुदीप लखटकिया, एडीजी सीआरपीएफ श्री दीपक मिश्र, यहां उपस्थित सभी सीएपीएफ के डीजीज, केंद्रीय पुलिस संगठनों के डायरेक्टर्स एंड डीजीज, सीएपीएफ के अधिकारी एवं जवान, सभी पदक विजेतागण, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो इस शौर्य दिवस के अवसर पर जिन हमारे जवानों और अधिकारियों ने भारत की रक्षा में अपनी जानें गंवाई हैं, उनके प्रति मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ मैं अब जिन्हें सम्मानित किया है मैंने, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्यों को, उनके प्रति तो मैं सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं, लेकिन उसमें से दो लोग विशेष रूप से जिन्होंने की हार्ट स्प्रिंग के दौरान जो सर्वाइव किए, हेड कांस्टेबल बलजीत सिंह, और साथ ही साथ 1971 बार के असिस्टेंट कमांडेंट मिस्टर बीएस त्यागी, उनका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जिस समय वह मंच पर आए तो बलजीत सिंह जी के भी चेहरे की ओर मैं देख रहा था, और साथ ही साथ बीएस त्यागी के चेहरे और उनके शरीर की तरफ भी मैं देख रहा था। बलजीत सिंह जी ने मुझे कहा कि मैं देश की सेवा करने के लिए भर्ती हुआ था सुरक्षा के जवान के रूप में, और मुझे फक्र है इस उम्र में भी वही तेवर और वही मैंने असिस्टेंट कमांडेंट बीएस त्यागी है। आपने देखा होगा आयु कितनी अधिक हो चुकी है, फिर आज भी उनकी शरीर और सम्मान व्यक्त करते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपने सीने को बाहर निकालने की कोशिश की, ऐसे बहादुरों को देखने के बाद जो मुर्दा भी होगा शायद वह भी जिंदा हो जाएगा। मैं पुनः उनका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, और मेरा मानना है कि सीआरपीएफ हो अथवा हमारे सीएपीएफ की कोई भी फोर्स हो, उसका हर जवान अधिकारी अपने जीवन का हर क्षण वह शौर्य और पराक्रम की परीक्षा देता है, और हम उन लोगों का स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं जिन लोगों ने अपने शौर्य पराक्रम और वीरता से एक नई शौर्य गाथा लिखने में कामयाबी हासिल की है। जहां तक शौर्य और पराक्रम का प्रश्न है, आप जानते हैं कि बाजार में खड़े होकर यह शौर्य और पराक्रम खरीदा नहीं जा सकता। शौर्य और पराक्रम तो सचमुच जो राष्ट्रभक्त होता है उसके सीने में होता है, इसे खरीदा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। और मैं यह भी मानता हूं कि जिनके सीने में शौर्य और पराक्रम होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना होती है, राष्ट्र विरोधी ताकतों की गोलियां उनके शरीर को तो भेद सकती हैं, लेकिन उनके हौसले और जज्बे को किसी भी सूरत में तोड़ नहीं सकती। और यह बात हमारे दिमाग में उस समय आई थी जब चेतन चीता
कमांडेंट चेतन चीता, 9 गोलियां लगी थी। कोई यह कल्पना नहीं कर सकता कि कमांडर चेतन चीता सरवाइव करेंगे। यदि आज हमारे वक्त कमांडेंट चेतन चीता यदि जिंदा हैं, तो अपने हौसले के कारण जिंदा हैं, अपने सद्भाव के कारण। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे दुश्मनों के पास हमारे जवानों के शरीर को भेदने की तो गोली बनी हुई है, लेकिन उनके जज्बे और हौसले को भेदने वाली आज तक कोई भी गोली नहीं बनी है। मैं अक्षय कुमार जी के प्रति कितना आभार व्यक्त करूं। आप माने जाने फिल्म एक्टर हैं, लेकिन मैंने देखा है कि चाहे फिल्म का पर्दा हो अथवा बाहर हो, सामाजिक कार्यों में भी ये बराबर एक्शन में रहते हैं, बराबर एक्शन में रहते हैं। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मुझे अक्षय कुमार को सचमुच दिल से एक्शन कुमार कहना चाहिए, जो बराबर एक्शन में ही रहते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए हीरो हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हीरो हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके दिल की फीलिंग्स, इनके दिल का भाव और भावना को समझते हुए इनके लिए यदि कोई हीरो है, तो सेना और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वह इनके लिए हीरो हैं, जो इस देश के लिए अपनी जान गंवाने का संकल्प लेकर सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये भर्ती हुए हैं। और आज जो यह पोर्टल जारी किया जा रहा है, वो अक्षय कुमार जी की इच्छा से यह पोर्टल जारी किया जा रहा है, जारी हुआ है भारत के वीर। मैं इस देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वह इस वेबसाइट को विजिट करें और इस पर जितना अधिकतम वह योगदान कर सकते हैं वह योगदान करें। और मैं समझता हूं कि योगदान करते हैं तो हमारे बहादुर जवानों और अधिकारियों के शौर्य से वह प्रेरणा भी ग्रहण करेंगे, मेरा यह पूरा विश्वास है। जहां तक सीआरपीएफ का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि इनकी मल्टी डायमेंशनल रोल है, बहुआयामी भूमिका है। किस किस प्रकार की भूमिका का उनको निर्वाह करना पड़ता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने 2.5-3 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ भी मैंने देखा है, जो कुछ भी समझा है, मैं कह सकता हूं कि इनकी वीरता और बहादुरी पर मुझे नाज है। और बराबर होम सेक्रेटरी से श्री राजीव महर्षि से अपनी मैं चिंता व्यक्त करता रहता हूं। सुबह की जब ब्रीफिंग होती है, उस समय भी मैं अपनी चिंता व्यक्त करता रहता हूं कि मैं जितना करना चाहता हूं इन जवानों के लिए, मैं उतना कर नहीं पा रहा हूं। क्योंकि जब मैं इतिहास इनका जब मैं देखता हूं, हार्ट स्प्रिंग किस तरीके से चीन की टुकड़ियों का इन्होंने मुकाबला किया, 1965 में किस तरीके से सरदार पोस्ट पर पाक की ब्रिगेड के हौसले पस्त कर दिए, और इतना ही नहीं, भारत की संसद जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, उसकी रक्षा में भी इन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। बहुत ही गौरवशाली परंपरा है हमारे इन सब सारे जवानों की। शांति व्यवस्था का भी यदि सवाल खड़ा हो, कौन जाएगा? सीआरपीएफ के लोग जाएंगे, सीएपीएफ के जवान जाएंगे। और हमारी दिली ख्वाहिश है कि इनको सपोर्ट देने के लिए एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहल हुई है इस वेबसाइट के माध्यम से, और देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कामयाबी मिलेगी। मुझसे यह भी कहा गया था कि अब तक सीआरपीएफ के अथवा सीएपीएफ के जवानों के लिए जो भी सरकार के द्वारा किया गया है उसकी मैं चर्चा करूं, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। सरकार आपके ऊपर एहसान नहीं कर रही है, आपके ऊपर एहसान नहीं है।
जिंदगी भर आपके लिए करते रहेंगे तब भी आपके एहसान को हम नहीं उतार पाएंगे, इसीलिए उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसलिए उन चीजों की मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। जब मैंने जानकारी हासिल की कि हमारे जवान जब शहीद होते हैं तो परिवार के लिए कम से कम कुछ ना कुछ सहायता तो मिलनी चाहिए, क्या होता है, पहले तो यह था कि 45 लाख 50 लाख मैक्सिमम 35 लाख शायद यही धनराशि मिलती थी, क्यों राजी है? यही धनराशि थी, बाद में उसको जो भी बढ़ाया गया है उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो मैंने होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि से मैंने कहा कि इस देश के सामने भी मुझे हाथ क्यों न फैलाना पड़े, लेकिन हमारा कोई जवान कोई अधिकारी शहीद होता है किसी भी सूरत में 1 करोड़ से कम की धनराशि उसके परिवार के लोगों को। कुछ लोगों ने मुझे यह भी कहा कि साहब छत्तीसगढ़ राज्य तो कुछ धनराशि देती है उस कारण वो गैप कम हो जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में यह गैप अधिक रहेगा। तो मैंने कहा कि चाहे वो 50 लाख का गैप हो, 40 लाख का, 30 लाख का गैप हो, उस गैप को हम लोग फिलअप करेंगे, लेकिन वह धनराशि किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए 1 करोड़ से। वैसे आज के साल डेढ़ साल पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी जो हमारे शहीद होते हैं जवान और अधिकारी उनके परिवार के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ स्कॉलरशिप की मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए, तो हम लोगों ने बातचीत की थी और वो फाउंडेशन सबसे पहले 295 बच्चों को स्कॉलरशिप देना प्रारंभ किया था और 2016-17 में वह लगभग 287 बच्चों को वह स्कॉलरशिप देंगे। उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप जो है उसके अंतर्गत पहले 900 बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है, 2000 बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो मैं कह रहा था कि आपके एहसान को किसी भी सूरत में नहीं उतार पाएंगे, तो वह इसलिए मैं कह रहा था कि मैंने देखा है जो माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है, LWE अफेक्टेड एरिया, उसमें जिस प्रकार की अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे जवान काम कर रहे हैं, शायद देश के बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, जो जाकर नजदीक से देखेगा उसे एहसास होगा किन परिस्थितियों में वह काम कर रहे हैं। और आज मैं यह कर पाने की स्थिति में हूं कि माओवादियों का प्रभाव इस देश में विगत 30-35 वर्षों में जितना बढ़ा था उसमें 2-2.5 वर्षों के अंदर 45-50 फीसदी कमी लाने का श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने इन जवानों को देना चाहता हूं, CAPF के और अधिकारियों को देना चाहता हूं। इतना ही नहीं, उग्रवाद से प्रभावित जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है उसमें भी लगभग 70-75% कमी लाने में कामयाबी यदि हासिल हुई है तो उसका भी श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो आप सबको ही उसका श्रेय देना चाहता हूं। कश्मीर के हालात का जहां तक प्रश्न है, कश्मीर के हालात की बहुत डिटेल में जाकर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन कैसी दरिया दिली है हमारे बहादुर जवानों की और अधिकारियों की, जब संकट की घड़ी आती है कश्मीर घाटी में यही हमारे अधिकारी और यही हमारे जवान जाकर उन पत्थर फेंकने वालों की भी जान बचाते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कश्मीर के भी हालात बदलेंगे। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सबने बधाई दी है, बेस्ट एक्टर के रूप में जो नेशनल अवार्ड अक्षय कुमार जी को मिला है, तो मैं
इस पुनीत कार्य से मैं स्वयं वंचित नहीं रहना चाहता हूं। मैं भी आपको अपनी तरफ से बेस्ट एक्टर के रूप में नेशनल अवार्ड जो मिला है उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब का कल्याण ही गृहमंत्री के रूप में हमारे लिए सर्वोपरि है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार मैं अपने जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।